हेलो फ्रेंड, आपको का स्वागत है चैनल पे वापस और एक वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर। और जा रहा हूँ आज लोनावला और बजे हैं अभी सवेरे की 6। तो अभी मैं थाने में हूँ, थाने स्टेशन जा रहा हूँ। थाने स्टेशन से मैं जाऊँगा घनसोली। फ्रेंड, मैं अभी घनसोली पहुँच गया हूँ और अभी मुझे ज्वाइन करेंगे विष्णु जी। इस तरफ जरा देखो, जरा शक्ल तो दिखाओ विष्णु जी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे रेगुलर रहते हैं तो आप लोग पहचान ही गए होंगे कौन है। अगर आपको पता नहीं क्या हो गया, ओह माय गॉड, क्या गिरा देखो, कितने की मोबाइल है ये, 25,000 गिरा मत भाई। हाँ तो फ्रेंड, अगर आप लोगों को नहीं पता विष्णु जी कौन है तो मैं ये बता दूं कि इस चैनल का दूसरा शक्ल है। घनसोली से लोनावला कुछ 70 किलोमीटर की दूरी है, क्या 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो ज़्यादा लंबा तो है नहीं। तो एक वो हिल स्टेशन है, अगर आप लोगों को नहीं पता, अगर महाराष्ट्र के बाद से अगर देख रहे हैं लोनावला एक हिल स्टेशन है, बहुत ही सुंदर यार। चलो राइड को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, अभी थोड़ा सा आगे जाने के बाद मुझे एक चीज दिखाई दिया यार, आप लोगों को दिखाता हूँ क्या दिखाई दिया मुझे। चलो अभी हम अंदर जाने की कोशिश की, जैसे कि आप देख सकते हैं एक एरोप्लेन अंदर खड़ा है। ये कैसा आया, क्या आया, हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम। अंदर जाने के बाद हमें बोला गया कि अंदर अलाउड नहीं है YouTube बनाने का या कोई भी वीडियोग्राफी करने का। अगर आपको यहाँ आकर वीडियो बनाना है तो इन्हें चार्ज देना पड़ेगा। अगर YouTube का वीडियो बनाना है तो 5,000 रुपीज YouTube वीडियोज के लिए, और या कैमरा वैमरा लेकर अगर आप अंदर आएंगे, अगर मोबाइल कैमरे से अगर बनाएंगे 5 मिनट के लिए तो सिर्फ 100 रुपये आपको चार्ज करना होगा। तो एक्चुअली हम सोचे थे अच्छे से एक्सप्लोर करूँ, लेकिन आज अलाउड नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हम अंदर जाके कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी यार बाहर से जो दिखाया बहुत ही अलग है यार, ये कैसा आया मुझे नहीं मालूम। इसके लिए तो कोई आप ही, अगर किसी को पता है इसके बारे में तो प्लीज़ कॉमेंट करके मुझे बताएं यार। चलते चलते मुझे और एक नज़ारा देखने को मिला। ऐसा देखा ही नहीं यार, एक साथ इतने सारे झरने, वाटरफॉल एक साथ। पता नहीं यार कैमरे पे दिखाई दे रहा होगा कि भी नहीं, मुझे नहीं मालूम यार, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ अद्भुत। खत्म होने को कुछ मौका ही नहीं है यार, सोचा आगे से थोड़ा आगे चलूं, वापस ये व्यू आ गया यार। तो अभी बहुत लंबा 70 किलोमीटर की जर्नी करके हम यहाँ पे पहुँच गए और अभी
चलो यार व्यू का मजा लीजिए। नीचे छोटे 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 घर है, कैमरा पे तो नहीं दिख रहा होगा लेकिन छोटे छोटे गांव है वहाँ पे, और एक नदी भी जा रही थी वहाँ पे, शायद दिख रहा होगा, जूम नहीं होता है कैमरा इसके लिए नहीं दिख रहा होगा आपको। और सामने एक वाटरफॉल, सो ब्यूटीफुल, और उस तरफ भी डैम है, डैम से वाटरफॉल उधर से भी हो रहा है। नजदीक नहीं जाएंगे यार, मुझे डर लगता है एक्चुअली, चक्कर आता है, ज्यादा नजदीक नहीं जाऊंगा। इधर तो पूरा खुला है यार, नीचे अगर सामने लुढ़क गया तो मिलेगा भी नहीं भाई। और यहाँ आने के बाद आपको ये जो इसको क्या बोलते हैं, बग्गी, मुझे नहीं मालूम इसका नाम क्या है, लेकिन आपको ये अगर ये बाइक अगर आपको राइड करना है तो 150 रुपीस, कैमल के लिए राइड 150 और घोड़े के लिए भी 150, तो ये तीन एक्टिविटी आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो 150 में आपको यहाँ पे जस्ट चक्कर लगाने को मिलेगा। तो फ्रेंड ये था लोनावला जो मैंने आपको आज दिखाया, जो भी जर्नी दिखाया, मुंबई से लोनावला 70 या 80 किलोमीटर कुछ होता है, लेकिन हमने न्यू मुंबई घनसोली से आया तो हमें यहाँ 70 किलोमीटर पड़ा। तो यार बहुत ही सुंदर जगह है, अगर मुंबई में आएंगे तो आप जरूर लोनावला विजिट कीजिएगा, और बहुत ही सुंदर नज़ारे है यार यहाँ पे, पूरा हिल स्टेशन है ये, और अभी हम हैं टाइगर पॉइंट पे, और यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट है लेकिन हम पूरा कवर नहीं करेंगे, हम जस्ट वन डे ट्रिप के लिए आए थे और अभी हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।